नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे YouTube पर वीडियो अपलोड कैसे करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप मोबाइल में क्रोम ओपन करेंगे, उसमें टाइप करेंगे YouTube.com को सर्च करेंगे और ऊपर ये थ्री डॉट दिखाई दे रहा है उस पर जाएंगे और डेस्कटॉप साइट को टिक करेंगे। तो इधर ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। इधर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा तो जूम करके आपको दिखाएंगे। इधर प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, वीडियो पर प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, उसको टच करेंगे। कि मैं जूम कर दिया हूँ, इधर आप देख सकते हैं जूम करके कि प्लस वाले निशान को टच करेंगे। इधर अपलोड वीडियो को ओपन करेंगे। अपलोड वीडियो को ओपन करने के बाद सिलेक्ट फाइल में जाएंगे। फाइल में जाएंगे जहां पर आप वीडियो रखा हुआ है, उस वीडियो को अब वीडियो को आप टिक करके सिलेक्ट करेंगे। इधर देखेंगे आप, ये आपका वीडियो सिलेक्ट हो चुका है, जो वीडियो आपको YouTube पर लोड करना है। अब इधर टाइटल दिखाई दे रहा है, ऊपर टाइटल लिखना है। टाइटल में लिखना है आपको जिस नाम से, जिस विषय में आपने वीडियो बनाया है, तो जब कोई YouTube पर सर्च करेगा तो किस नाम से सर्च करेगा कि आपका वीडियो भी आए। तो मैं बता देता हूँ, अब मैं वीडियो बनाया हूँ TikTok पर वीडियो एडिट कैसे करते हैं, तो उसका इसमें लिख देंगे TikTok पर वीडियो एडिट कैसे करते हैं, TikTok वीडियो में नाम कैसे लिखते हैं, वो सब आप इधर लिख सकते हैं। नीचे दिखाई दे रहा होगा इधर डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, वीडियो के बारे में बता सकते हैं कि किस विषय में वीडियो बनाया गया है, वो सब आप इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इधर टाइटल भी लिख दिया हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया हूँ वीडियो के बारे में। अब आप इधर थंबनेल कैसे लगाएं, थंबनेल पर टच करेंगे। दोस्तों पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, इसलिए आप वेरीफाई पर टच करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आपको मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा, आपका अपना मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई कराना पड़ेगा फर्स्ट बार में, तभी आप थंबनेल लगा सकते हैं। दोस्तों इधर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और सबमिट पर जब क्लिक करेंगे तो आपका एक OTP आएगा, आपके मोबाइल पर OTP आएगा। मेरा OTP आ गया है, मैं इधर OTP डाल देता हूँ और सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करेंगे तो ये भी देखिए हमारा वेरीफाई हो गया है, हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब आप थंबनेल लगा सकते हैं। थंबनेल पे जाएंगे, इधर देखेंगे जहाँ पर भी आपका थंबनेल आप पहले से बना के रखे हुए हैं तो वो थंबनेल आप लगा दीजिए। दोस्तों इधर मैं ये थंबनेल पहले से बना के रखा हुआ हूँ, इस थंबनेल को ले लेंगे, थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा थंबनेल लग गया है, थंबनेल लग के तैयार हो गया। अब इधर प्लेलिस्ट, आप वीडियो में प्लेलिस्ट बना सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर टाइटल लिख दीजिए कि आपका वीडियो किस कैटेगरी का है, टेक्निकल है या इसमें मनोरंजन का वीडियो है या स्पोर्ट का वीडियो बनाया है, किस चीज़ का वीडियो बनाया वो ले लिए। मैं इधर मेरा टेक्निकल वीडियो है तो मैं इधर टेक्निकल वीडियो लिख देता हूँ, प्लेलिस्ट बना लेता हूँ मैं टेक्निकल वीडियो। जो इस कैटेगरी के वीडियो जब भी आप बनाएंगे तो इसमें टेक्निकल वीडियो में आप डाल सकते हो, और स्पोर्ट के बनाए हैं कैटेगरी के तो उसमें डाल सकते हो, इस हिसाब से आप प्लेलिस्ट बना सकते हो। मैं इधर प्लेलिस्ट बना लिया हूँ, क्रेडिट करेंगे और इधर डन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा प्लेलिस्ट बन के तैयार हो गया है। अब दोस्तों नीचे आप आएंगे, अगर आपका वीडियो बच्चों के लिए है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे यस, वरना इधर नीचे नो पे क्लिक कर देंगे कि बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। अब इधर एज पे क्लिक करेंगे और इधर पूछ रहा है क्या आपका वीडियो 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है, अगर हाँ तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। हमारा वीडियो 18 साल से कम उम्र वालों के लिए है, कोई भी देख सकता है, मैं नो पे क्लिक करूँगा। इधर अब मोरी ऑप्शन पे जाएंगे, मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो इधर आपको टैग लगाना है। अब टैग क्या होता है, टैग
आपका जिस विषय में वीडियो है, आपका वीडियो भी सर्च, जब कोई टिकटॉक पर सर्च करे इस विषय में वीडियो के बारे में, तो आपका भी वीडियो आए, उस तरीके से आप इसमें टैग लिख सकते हैं। मान ली मेरा वीडियो टिकटॉक एडिट कैसे करते हैं उसके बारे में है, तो टिकटॉक वीडियो कैसे एडिट करते हैं, हम इधर लिख देंगे टिकटॉक वीडियो कैसे एडिट करते हैं। आपके दिमाग में जितना आ रहा है उतना लिख सकते हैं, 500 शब्द तक लिख सकते हैं। तो 500 शब्द दिए गए तो आप पूरा इस्तेमाल कीजिए। तो मैं इधर लिख देता हूँ, मैं तो टैग लिख देता हूँ, आप देख लेना। मैं इधर टैग लिख दिया हूँ। अब इधर डेट पे क्लिक करेंगे, आप इधर डेट डाल सकते हैं। मैं इधर डेट डाल दिया हूँ वीडियो का, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो कोई नहीं। इधर आप इधर टच करेंगे तो आप लोकेशन दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं। मैं इधर दे देता हूँ, मैं इधर लोकेशन डाल देता हूँ, वीडियो का लोकेशन मैं इंडिया डाल देता हूँ। आप डाल दो तब भी ठीक है, नहीं डालो तब भी कुछ नहीं। आप लेसन्स में जाएंगे, आप लेसन्स में जाएंगे तो इधर आप, अगर आप स्टैंडर्ड वीडियो यूट्यूब वीडियो सिलेक्ट करते हैं तो आपका वीडियो कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा और कहीं शेयर नहीं कर पाएगा। अगर आप सीसी, आप अगर सीसी यूज करते हैं, आप सीसी सिलेक्ट कर देते हैं तो आपका वीडियो कोई भी लोड कर सकता है और कहीं पर भी शेयर कर सकता है। इधर आप वीडियो की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी आपका वीडियो किस कैटेगरी में जाता है। मेरा ये वीडियो जाता है टेक्नोलॉजी में, तो मैं इधर टेक्नोलॉजी वीडियो है तो मैं इधर टेक्नोलॉजी वीडियो सिलेक्ट कर लूँगा। आपका वीडियो जिस कैटेगरी में जाता है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं कैटेगरी इधर सिलेक्ट कर दिया हूँ, अब इधर आप चेक कर लेंगे पूरा। इधर आप चेक कर सकते हैं अपना सारी डिटेल्स, आप चेक कर लेंगे। सारी डिटेल चेक करने के बाद आप इधर नीचे जाएंगे साइट में, इधर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। और इधर आप ऊपर देखेंगे, इसमें आप जब आपका वीडियो एंड होता है तब उसमें नेक्स्ट वीडियो का लिंक आता है, नेक्स्ट वीडियो दिखाई देता है, या फिर आप कोई भी फोटो लगाते वो सब दिखाई देता है, वो सब आप लगा सकते हो। नहीं तो आप इसे छोड़ देना, छोड़ भी सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट जाएंगे, अब इधर देखेंगे आप वीडियो प्राइवेट रखना चाहते हैं। अगर आप वीडियो प्राइवेट रखोगे तो आपका वीडियो कोई नहीं देख पाएगा, तो आप इधर पब्लिक सिलेक्ट कर लेना। आप पब्लिक सिलेक्ट कर लोगे तो आपका वीडियो कोई भी देख सकता है। मैं इधर पब्लिक सिलेक्ट कर देता हूँ। पब्लिक सिलेक्ट करने के बाद अगर नीचे दिखाई दे रहा होगा पब्लिश, मैं वीडियो को इधर पब्लिश कर दूंगा और ये वीडियो मेरा लोड हो जाएगा। मैं इधर पब्लिश कर देता हूँ, मैं वीडियो को पब्लिश कर देता हूँ और ये वीडियो यूट्यूब पर हमारा लोड हो जाएगा। ये देखो हमारा यूट्यूब पर वीडियो लोड हो गया, ये आप इधर दिखाई देने लगा है, ये वीडियो लोड हो गया है। इधर मैं अपने अकाउंट में भी दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर हमारा वीडियो अभी दिखाई देगा। प्रेस करता हूँ, ये देखो हमारा वीडियो इधर लोड हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।